हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी आर्मी ऑफ थीव्स के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे ब्लैक विडो के अपडेट के बारे में कि वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पे कब रिलीज होगी जिससे कि हम उसे इजीली हिंदी में देख सकें, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में जिसमें कि अमेजोन प्राइम लॉग इस प्ले और भी काफ़ी सारे ओटीपी अपडेट्स हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी ऑफ थीव्स के बारे में, जो कि आर्मी ऑफ डेड का एक प्रीक्वल है जो कि इसी साल पॉसिबली रिलीज होगी, और देन इसमें भी हमें ज़ॉम्बी देखने को मिलेंगे। तो मैं तो जानना चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी कहाँ से आए और देन इस प्रीक्वल मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा। उसी के साथ केविन आउट जो कि नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी है, फाइनल शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी सारी सेट इमेजेस भी देखने को मिले हैं जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और देन आपके लिए गुड न्यूज़ है, अभी हाल ही में एक रिलीज हुई मूवी हिंदी तमिल तेलुगू में, दी टुमारो वॉर। इसका पहला पार्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और देन आपके लिए खुशखबरी है कि इसका सेकेंड पार्ट भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, और देन अब स्टूडियो उसके ऊपर काम कर रहा है। और आपको बता दूँ कि स्टोरी एलियंस के होम वर्ल्ड पर होगी कि ये कहाँ से आए। उसी के साथ जैक स्नाइडर आर्मी ऑफ डेड के बाद अब नेटफ्लिक्स के साथ एक और न्यू डील के साथ काम कर रहे हैं जिस मूवी का नाम है रिबॉर्न मून। तो फाइनली ये इनकी न्यू मूवी है, और देन ये साइंस फिक्शन टाइप की मूवी होने वाली है। नेटफ्लिक्स ने क्रश का सेकेंड सीजन कैंसिल कर दिया। जी हाँ, देन पहला सीजन ठीक ठाक था, देन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ एक न्यू लुक देखने को मिला है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी का, रेड नोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है, और गैल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसी के साथ कन्फर्म हो चुका है सेकेंड पार्ट द ओल्ड गार्ड का। तो पहला पार्ट तो आप सभी ने देखा होगा, चार्ली थॉर्न्स का, सही था, ठीक ठाक था, पर अब देखते हैं सेकंड पार्ट कैसा होगा। उसी के साथ राया द लास्ट ड्रैगन फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वीआईपी पर। जैसी रिलीजिंग डेट कंफर्म होगी आपको तुरंत बता दूंगा। उसी के साथ सिंड्रेला कंफर्म हो चुकी है हिंदी में, 3 सितंबर को अमेजोन प्राइम पर ये रिलीज होगी मूवी। देखना, म्यूजिकल है और थोड़ा अच्छा भी है, देखने लायक है। उसी के साथ आउटर बॉक्स सीजन 2 कंफर्म हो चुका है, हिंदी में रिलीज होगा। ऑफिशियली पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया जो कि मेरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है ऑफिशियली, ये 30 जुलाई को आने वाला है। ब्लड रेड स्काई एक बहुत ही कमाल की वैम्पायर मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, हिंदी में कंफर्म हो चुकी है, और जैसी रिलीजिंग डेट का कंफर्मेशन आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। उसी के साथ केविन आउट का पहला पार्ट कंफर्म हो चुका है कि हिंदी में रिलीज होगा लॉन्गेस्ट प्ले पर, अभी डबिंग प्रोसेस में है, जैसी डेट कंफर्म होगी आपको तुरंत बता दूंगा। उसी के साथ फाइनली विचर का ऑफिशियली टीजर लॉन्च हो चुका है सीजन 2 का, बहुत ही कमाल का है, और विचर कॉमिक कॉन में रिलीज करा गया था। 17 दिसंबर को ये टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली रिलीज होगी। किसिंग बूथ फाइनली ऑफिशियली पोस्टर रिलीज कर दिया गया, और देन पहला भी ट्रेलर रिलीज करा गया, और देन दोनों पार्ट हिंदी में है, तीसरा पार्ट भी हिंदी में कंफर्म हो चुका है। वर्थ ऑफ मैन फाइनली लॉन्गेस्ट प्ले पे कंफर्म हो चुकी है कि ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी, और देन आपको बता दूं कि डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, जैसी डेट कंफर्म होगी आपको बता दूंगा। मून नाइट की न्यू सेट इमेजेस देखने को मिली है जिसमें कि ये एक्टर एक ब्लैक कलर का चश्मा पहनते हुए और एक ब्लैक कलर की कैप पहनते नजर आए हुए हैं, तो ये फैन के तौर पर खींची गई है। उसी के साथ स्वीट गर्ल भी कंफर्म हो चुकी है कि नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी। जेसन मोमोआ का ये फर्स्ट लुक है, फर्स्ट ऑफिशियली पोस्टर है, जो कि 20 अगस्त को आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ लोका भी कंफर्म हो चुकी है जो कि डिज्नी पिक्सर की न्यू अपकमिंग मूवी है, बहुत ही कमाल की है, हिंदी प्लस डिज्नी और तमिल तेलुगु में भी कंफर्म हो चुकी है, तो डेट कंफर्म होगी आपको तुरंत बता दूंगा। तो टुमारो वॉर हिंदी तमिल तेलुगु में आ चुकी है, सेकंड पार्ट भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, अगर अभी किसी ने नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ एमएक्स प्लेयर के अपडेट के बारे में बात करी जाए तो एल गेरिनो फाइनली कंफर्म हो चुकी है एमएक्स प्लेयर पर, अभी रिसेंट में हिंदी में डब हुई है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ मदर जो कि अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है हिंदी में डब होकर, तो जाके चेकआउट करो, बहुत ही कमाल की मूवी है, यूनिक स्टोरी है, देखने के लायक है। उसी के साथ एक कोरियन मूवी 8वीं रात, बहुत ही कमाल की और कह सकते हो दहशत से भरी हुई मूवी, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में जाके चेकआउट करो अगर कुछ हॉरर टाइप का देखना चाहती हो तो। उसी के साथ द टनल फाइनली एमएक्स प्लेयर पे हिंदी में आ चुकी है, तो जाके एक बार जाके चेकआउट करो, पुरानी मूवी है, थोड़ी स्टोरी डिफरेंट टाइप की है कि कुछ लोग यहीं टनल के अंदर फंस जाते हैं। द सन ऑफ नो मैन बहुत ही कमाल का कह सकते हो एमएक्स प्लेयर पे अभी हाल ही में आई है, तो अगर अभी तक किसी ने नई मूवी देखी है तो जाके चेकआउट करो। हिट एंड रन अभी हाल ही में हिंदी में डब हुई है एमएक्स प्लेयर पे, तो जाके चेकआउट करो, बहुत ही कमाल की मूवी है। और उसी के साथ अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक और मूवी हिंदी में डब हुई है, गॉन बेबी गॉन, जो कि देखने लायक है, तो एक बार ज़रूर देखना, थ्रिल टाइप की मूवी है। और अब बात करते हैं रेसिडेंट एविल, जो कि रेसिडेंट एविल 4 गेम के बाद की स्टोरी है, रेसिडेंट एविल इन्फिनिटी डार्कनेस फाइनली सीजन 1 8 जुलाई को रिलीज हो चुका है इंग्लिश में, हिंदी का कोई भी अपडेट नहीं है, पर अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ वॉट इफ का ऑफिशियली ट्रेलर और पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, और देन 11 अगस्त को ये टीवी सीरीज रिलीज होगी, हिंदी का कोई भी अपडेट नहीं आया है। देन उसी के साथ नेटफ्लिक्स पर डोरा
जो कि अभी हाल ही में क्या कहते हैं 2020 में ही मूवी रिलीज़ हुई थी। अब हिंदी में नेटफ्लिक्स पे आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अभी अभी रिलीज़ हो चुकी है। उसी के साथ द क्रॉल जो कि एक क्रोकोडाइल की मूवी है, ये भी हिंदी में आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, अभी अभी हाल रिसेंट में अपलोड करी गई है। द वीगल जो कि एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी है, ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये थे वो काफ़ी सारे कमाल के अपडेट। देन फायर स्ट्रीट भी दोनों पार्ट आ चुके हैं, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक विडो के बारे में। तो फाइनली अपडेट ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पे आपको ब्लैक विडो देखने को मिलेगी 8 अक्टूबर को। अभी तो इंग्लिश का अपडेट है, पर हिंदी भी आपको पॉसिबली अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। और देन जो भी अपडेट होंगे आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइस आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।